बचत के साधन स्वामी जी महाराज ने आज समाप्त किए हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा साधु चले इसकी करते हैं। कल चर्चा की जा रही थी, एक साधक के लिए अभिमान मुख्य कारण है, जिसके कारण वह हमें अंतर्मुखी नहीं होने देता, भीतर की ओर मुड़ने नहीं देता, एक झूठा सा आश्वासन देता है बाहर से संतुष्ट रहो, और बाहर से व्यक्ति बहुत संतुष्ट रहता है। उसे जो बाह्य सुख सुविधाएं मिलती हैं उससे वह इतना संतुष्ट, इतना छका रहता है कि ये घमंड, ये अभिमान उसे भीतर मुड़ने की प्रेरणा नहीं देता, रोकता है। बड़ा कट्टर दुश्मन है साधक जनों ये अभिमान हर साधक का। वैसे तो साधक जनों, साधक को बचना चाहिए, अभिमान भी कुछ कारणों से होता है। साधक को एक ही चीज जिस पर उसका वश है उससे बचने की जरूरत है, और वह है कामना। जहां कामना होगी वहां क्रोध भी होगा, वहां अभिमान भी होगा। बचने की चीज कामना। आज थोड़ी चर्चा साक्षी ने इसके ऊपर करते हैं, उसके बाद फिर वचन के साधनों पर। आचार्य महीधर हुए हैं, उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा है, बहुत बड़ा काम, कोई छोटी बात नहीं। वेदों पर भाष्य लिखना, कमेंट्री ऑन वेदास लिखना शुरू कर दिया था, बीमार हो गए, परमेश्वर से प्रार्थना करी, भाष्य लिखना बंद कर दिया। परमेश्वर से प्रार्थना की, अगले ही दिन स्वस्थ हो गए, पुनः लिखना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों के बाद फिर बीमार हो गए। इतने बीमार हुए कि एक बार प्रार्थना करने से ठीक नहीं हुए, सारी रात कामकाज छोड़ के, निद्रा का त्याग करके तो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। झपकी लग गई, झपकी लगी तो परमात्मा स्वप्न में आए। महीधर, तुम्हें भेजा था कि तू कुछ मेरा काम करेगा, पर तू तो मेरे से ही काम करवा रहा है। तुझे भेजा था कि तू मेरा कुछ काम करेगा, लेकिन तू एक बार बीमार हुआ तो मुझे कहा, दूसरी बार फिर बीमार हुआ फिर मुझे, जा अमुक डॉक्टर के पास जा, जो काम वैद्य कर सकता है उसके लिए परमात्मा को क्यों कष्ट देना। ये एक साधक की भावना होनी चाहिए तो कामना से बचेगा। एक यहूदी संत थे साधक जनों, परमेश्वर के उपासक थे, शास्त्र अनुसार कर्म करते थे। दोनों बातें इकट्ठी होनी बहुत कठिन बात है, परमात्मा का भजन करना, अमृतवाणी का पाठ करना, सत्संग में आना, श्री राम शरणम में आना एक बात है, लेकिन साथ ही साथ शास्त्र अनुकूल कर्म करना ये दूसरी बात है। ये किसी के अंदर ही इस प्रकार का समन्वय होता है। हमारा चरित्र जो यहां है वह बाहर निकल के नहीं है, हम शास्त्र के विपरीत हो जाते हैं। इस वक्त बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल बैठे हुए हैं, हम शास्त्र अनुसार बैठे हुए हैं, बाहर निकलते ही हम शास्त्र को भूल जाते हैं और शास्त्र विपरीत कर्म करते हैं। ये यहूदी संत इस प्रकार का नहीं था, उपासना भी करता था, ईमानदार उपासना करता था, और बाहर निकल के भी चाहे बिजनेस करता है चाहे कुछ भी करता है, बेईमानी नहीं, हेराफेरी नहीं, छल कपट का जीवन नहीं, दंभी जीवन नहीं, झूठा जीवन नहीं, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करता है। इसके बावजूद भी साधक जनों आज परमेश्वर से शिकायत करता है, परमात्मा देव इतनी मुद्दत हो गई तेरी उपासना करते करते, आज तक तूने मेरी कोई मांग पूरी नहीं की। मेरा एक मित्र है, वह तुम्हें मानता नहीं है, नित्य कर्म करता है लेकिन गुलशर्रे उड़ा रहा है,
ऐसे शब्द प्रयोग किए हुए हैं परमात्मा के लिए। गुलशर्रे उड़ा रहा है, नित्य को कर्म करता है, तुझे ध्याता नहीं है, तुझे मानता ही नहीं है। मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मानता भी हूं, ध्याता हूं, तेरी उपासना करता हूं, शास्त्र के अनुकूल कर्म करता हूं, ऐसे कर्म करता हूं जिस जिनसे तू प्रसन्न होता है। इसके बावजूद भी तूने आज तक मेरी कोई मांग पूरी नहीं की, मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं की, मैं अभी तक दरिद्र का दरिद्र हूं। भगवान श्री कहते हैं, वत्स, जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक है, तेरा मित्र तेरे से बहुत अच्छा है, कम से कम तेरी तरह मुझे तकलीफ तो नहीं देता। एक साधक साधक अपने लिए यदि कुछ मांगता है तो उसे कामना कहा जाता है, ये उसकी साधना में बहुत बड़ी बाधा है। औरों के लिए मांगने में बिल्कुल कभी कंजूसी न कीजिएगा, मांगिएगा, वह तो परमात्मा का काम है, उसके काम में आप सहाय हो रहे हो। लेकिन अपने लिए कुछ मांगते हो, किसी भी प्रकार का कुछ मांगते हो, रोग का निवारण, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, कोई आपत्ति आ गई है, कोई विपत्ति आ गई है, मुकदमा आ गया है, इत्यादि इत्यादि, अपने लिए कुछ भी मांगते हो परमेश्वर के दरबार में, तो परमेश्वर क्या करता है, आपसे पल्लू छुड़ा देता है। तूने किया है तो भुक्त, मेरे पर छोड़ा हुआ होता तो मैं सब कुछ तेरा संभालता, तू तो हर छोटे काम के लिए मुझे ही कष्ट देता है। तो स्पष्ट हुआ साधकों, परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए, किसी कर्तव्य निभाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए हमें भेजा हुआ है, ना कि हम उससे अपना काम करवाएं। ये परमात्मा स्पष्ट करता है साधक चलो हम सबको, जहां काम होगा, जहां कामना होगी, वह अभिमान भी होगा। बड़ी विचित्र चीज है ये अभिमान, न जाने किस किस तरीके से हमारे जीवन में प्रविष्ट करता है और प्रविष्ट रहता है, छोड़ता नहीं इतनी आसानी से। मांगने की तो ये चीज है परमात्मा से, परमात्मा बल दे, परमात्मा कृपा कर, ये मेरा कट्टर शत्रु अभिमान है, इसका हनन कर। ये कामना नहीं है, ये कामना नहीं है। परमात्मा से भक्ति मांगना, परमात्मा से परमात्मा को मांगना, परमात्मा से अपने दुर्गुण दोषों को दूर करवाने की याचना करना, ये कामना नहीं है। देखो कितनी छूट है, मांग तो ये भी है, लेकिन परमात्मा इसे कामना नहीं मांगता। शाबाश, तो अपने दुर्गुण दोष दूर करना चाहता है, तो एक नेक इंसान बनना चाहता है, तो मेरी तरह बनना चाहता है। परमात्मा कहते हैं तू मेरी तरह बनना चाहता है तो मैं तुम्हें बना के रहूंगा, वह बना देता है। दुर्गुण दोष जितने भी हैं, कमजोरियां जितनी भी हैं, सब दूर करके रख देता है, एक एक करके, भौतिक मांग बीच में ना आए।